वो सबका ख्याल रखती है, हर कदम पे साथ निभाती है, जिंदगी को खुशियों से सजाती है और अपने सपने भी सच करना चाहती है। ये है आज की नारी सर्वगुण संपन्न, जैसे आनंद भोग आटा, एमपी के बेहतरीन गेहूं से बना घर में पिसे आटे जैसा शुद्ध, सेहतमंद और स्वादिष्ट। आनंद भोग आटा है सर्वगुण संपन्न। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव लॉन्ग न्यूज। मैं हूं आपके साथ खुशबू रॉय। अभी मैं हाजीपुर प्रखंड के सेंधवारी पंचायत में मौजूद हूं और हमारे साथ यहां के वर्तमान मुखिया कंचन कुमार निराला जी मौजूद हैं। आइए हम उनसे खास बातचीत करेंगे पंचायत चुनाव को लेकर और साथ ही ग्राम विकास को लेकर, क्योंकि 5 साल पूरे होने को है। विगत 5 सालों में मुखिया जी ने अपने पंचायत के लिए क्या कुछ किया? नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले तो हम सर आपसे जानना चाहेंगे, आप अभी वर्तमान मुखिया हैं अपने पंचायत के, 5 सालों में पंचायत में आपने क्या कुछ विकास किया? गली नली बनवाए, रोड बनवाए, PCC करवाए, नया रोड भी बनवाए, सोलिंग किए, बहुत सारा सुख्ता भी बनवाए। इसके बाद जहाँ जहाँ जगह मिला वहाँ वहाँ काम किए और बहुत प्रयास किए जो और काम हो, लेकिन बहुत सारा समस्या उत्पन्न हो रहे थे। कहाँ कहाँ पे क्या क्या दिक्कतें आई आपको काम करने में, किस प्रकार की दिक्कत? जैसे मेरे यहाँ रोड के लिए सरकारी ज़मीन बहुत कम मात्रा में है, अब जो भी ज़मीन है सब प्राइवेट ज़मीन है। तो प्राइवेट ज़मीन है तो प्राइवेट ज़मीन में जब तक के आदमी हमको सहमति नहीं देगा, पब्लिक सहमति नहीं देगी, तब तक के तो रोड नहीं बन सकता है। उस पर सहमति, जो जो आदमी सहमति जैसे जैसे सहमति दिए वैसे वैसे जगह जगह रोड बना, यही हुआ। अच्छा, आपके पंचायत में, पूरे पंचायत में क्या लगता है आपको कि कौन सी ऐसी मतलब चीज़ें हैं जिसका विकास होना बहुत ज़रूरी है, अभी भी जो बच रहा है, जो चीज़ें आपके नज़र में हैं, कौन सा ऐसा अविकसित क्षेत्र है? जैसे रोड का तो समस्या बहुत ज़्यादा है, जैसे चकमीदा मतलब 1 नंबर वार्ड, 2 नंबर वार्ड, 6 नंबर वार्ड, 1 और 6, वहाँ पे संपर्क मतलब रास्ता साफ है ही नहीं और निजी ज़मीन के कारण वहाँ पे रास्ता नहीं है। अब वहाँ पे प्रयास किया गया, नहीं हो पाया, और फिर अगर हम आते हैं तो इस बार भी प्रयास किया जाएगा हर संभव, और देखा जाए किसी तरह से रास्ता निकल जाए वहाँ पे कि आदमी को आने जाने में सुविधा हो। और जहाँ भी है सब जगह है, जैसे 8 नंबर वार्ड में भी बहुत सारे आदमी को रास्ता की दिक्कत है, 9 नंबर में दिक्कत है, आपसे कह दें कि 12 नंबर में बहुत ज़्यादा दिक्कत है, रास्ता की समस्या, हर जगह जगह रास्ता की समस्या है, लेकिन उसमें जगह नहीं रहने के कारण कुछ नहीं हो पा रहा है। अच्छा, नामांकन भर लिए हैं आप? नामांकन कर, मतलब फिर से चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी शुरू हो गई है। तो अगर आप आते हैं तो आगे के लिए क्या उद्देश्य लेकर चल रहे हैं इस चुनाव के लिए? जो बचा हुआ काम है उसको पूर्ण करने का पूर्णतः कोशिश करेंगे, जो हर आदमी के पास, हर आदमी के नज़दीक रास्ता पहुंचाया जाए और हर आदमी का विकास किया जाए और कोई भी आदमी को कोई परेशानी न हो, इसी पर संभव हर संभव कार्य करेंगे। जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? जनता से अपील करना चाहेंगे कि मेरे 5 साल के कार्यकाल को देखें, अगर हम विकास किए हैं, सही में विकास किए हैं, तो हमें फिर से लाभ, सब जगह काम किए हैं, सब आदमी को सब कुछ जहाँ तक हुआ है वहाँ तक सब सारे आदमी को सब चीज़ दिए हैं, जो भी मेरे नज़दीक आया है कुछ न कुछ हर आदमी को दिए हैं, मेरे दरवाजे पर मतलब हमसे जहाँ तक हुआ है वहाँ तक सभी आदमी को सहयोग किए हैं और आगे भी सहयोग करते रहेंगे। अच्छा, कुछ लोगों का आरोप है कि कुछ लोगों को घर की राशि नहीं मिल पाई है और कुछ हद तक शौचालय की राशि नहीं मिल पाई है, तो इसके पीछे क्या कारण रहा जो आप नहीं कर पाए? देखिए, इसके पीछे सबसे बड़ा तो जैसे अभी 2020 में लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन के बाद सारा स्थिति मतलब इधर से उधर हो गया, सही से कोई कार्य नहीं हो पाया। लॉकडाउन के बाद सारे आदमी इधर से उधर हो गए, सारा कार्य जहाँ के तहाँ रुक गया, बहुत सारा काम जैसे अगले साल आदमी कहता है कि बहुत सारा काम नहीं हुआ, बहुत ठीक है, उनका कहना भी जायज़ है,
अगले साल बरसात मतलब बिफोर गिरा, लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन के बाद तुरंत मार्च में लॉकडाउन हुआ, मार्च के बाद अप्रैल में वर्षा शुरू हो गया। वर्षा शुरू होने के बाद हो गया, ईंट मिलना बंद हो गया, उसके बाद कार्य भी बंद हो गया। जब तक ईंट नहीं होगी तब तक कोई कार्य नहीं होगा। उसके बाद ढेर सारा समस्या है, कभी बालू बंद हो जाता है, कभी कुछ हो जा रहा है, यही सब समस्या होता है। ढेर सारी समस्या आया सामने, उसके बाद सही से कोई काम नहीं हो पाया। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ सिंधवारी पंचायत के वर्तमान मुखिया जी, जिन्होंने साफ तौर पे हमें जानकारी दी कि हमने पूरी कोशिश की अपने पंचायत में सभी कामों को करने का और पंचायत स्तरीय जो भी योजनाएं होते हैं उन्हें जमीनी स्तर पे लाने का। हालांकि कुछ काम अधूरे रह गए हैं और कुछ लोगों की नाराजगी है, उसके पीछे की वजह भी उन्होंने हमें साफ तौर पर बताया। अब देखना ये है कि क्या सिंधवारी की जनता फिर से मुखिया के रूप में इन्हें ही चुनती है या कोई और नया चेहरा ढूंढती है, इसकी भी जानकारी हम आपको देंगे और यहाँ के बारे में भी हम आपको बताएंगे। आगे की जानकारी के लिए बने रहिए लाइव लॉन्ग न्यूज़ के साथ।